बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सारे खैर ऑफियत से होंगे। माशाल्लाह से हम आपको अपने YouTube चैनल ऑडियंस के ऊपर वेलकम कहते हैं, और आप हमारे YouTube चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें और उनसे बेल आइकॉन को लाजमी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आपको हर आने वाली नई और बेहतरीन इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ और लेक्चर्स आपको मिलते रहें। मैं आपको तारफ करवाता जाऊँ कि हम अपने बेहतरीन कोर्स का आगाज़ करने जा रहे हैं, DAE फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रिकल। उसकी मेन किताब जो है प्रिंसिपल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, उसके पूरी किताब के चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3। यानी इसमें भी पैरामीटर्स का इस्तेमाल है और वैल्यूज़ का इस्तेमाल है। इसी तरह चैप्टर नंबर 7, 8 एंड 9 पूरी किताब के, और पार्ट बी के चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 के अंदर जो बहुत बेहतरीन और बड़ी इम्पोर्टेंट जो वैल्यूज़ हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है, न्यूमेरिकली भी प्रैक्टिकली भी, और ऑल अराउंड द वर्ल्ड जितनी भी जो बेहतरीन वैल्यूज़ हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है, वो आपके सामने हम डिस्कस करने वाले हैं। इन वैल्यूज़ का डिस्कस करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आपके जो जितने भी अब आने वाले लेक्चर्स होंगे वो न्यूमेरिकल बेस्ड होंगे, क्योंकि आपके जो पार्ट बी है प्रिंसिपल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जो बुक है ये न्यूमेरिकल बेस्ड जो है ना वो आपका ये हिस्सा है। ये जो पार्ट बी है इसमें तमाम के तमाम न्यूमेरिकली पैरामीटर्स और लाइन पैरामीटर्स भी कहते हैं हम, और वैल्यूज़ भी कहते हैं, इनका इलम होना बहुत ज़रूरी है। तो इन वैल्यूज़ में जो वैल्यूज ज्यादा अहमियत की हामल हैं, या दो पैरामीटर्स या दो वैल्यूज ऐसी हैं जिसे हम कंपोनेंट भी कहते हैं, वो ऑल अराउंड द वर्ल्ड सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, उनके मतलब भी हम डिस्कस करेंगे। आपको इसलिए इस किताब के मतलब बताया जा रहा है क्योंकि प्रिंसिपल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो मीनिंग बनता है वो इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी के, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के वो बुनियादी असूल और जवाबत हैं जिनके मतलब आपका इलम होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी, तो आप इन वैल्यूज़ को लाजमी तौर पर जहन में रखें, जिनका इस्तेमाल आपके आने वाले लेक्चर्स में न्यूमेरिकल के अंदर होगा, और इनके मतलब जानना इसलिए भी ज़रूरी है कि ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में वो बेसिक वैल्यूज़ हैं जिनके बगैर ना तो कोई इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम, ना कोई सर्कट्स, ना कोई लोड मुकम्मल हो सकता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है इन वैल्यूज़ का जानना आप लोगों के लिए। तो हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको हर लिहाज से, हर तरीके से आसान मेथड की मदद से आपको हर चीज़ को न्यूमेरिकल्स को मैथमेटिकली रूल से या न्यूमेरिकली रूल से आपको समझाया जाए, ताकि आप जो है उनको हल करना, उनको सॉल्व करना आसानी से आपको जो है ना वो उसको तफसील से आपको आ जाए। तो हम आपका किताब जो है जिसको मैं आपको उसका तारफ करवा चुका हूँ कि प्रिंसिपल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, उस पूरी किताब के अंदर जो पैरामीटर्स इस्तेमाल किए जाते हैं और ऑल अराउंड द वर्ल्ड पूरी दुनिया में जो पैरामीटर्स इस्तेमाल किए जाते हैं उनके मतलब हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ये वो वैल्यूज जिनका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है लोड के अंदर, वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी हैं। सबसे पहले वैल्यू वो दो कंपोनेंट्स जिनका मैं पहले से जिक्र कर चुका हूँ कि ऑल अराउंड द वर्ल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम के अंदर पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा दो कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है, वो आपके हैं करंट और वोल्टेज। अब सवाल पैदा होता है कि करंट क्या है, करंट क्या है, करंट किस तरह से फ्लो करती है, करंट को क्या कहते हैं, करंट किन वैल्यूज का, किस किस चीज का मजमूआ है। करंट जो है उसको हम आई से जाहिर करते हैं, इस वजह से यहां पर मैंने आई लिखा है। ये वो वैल्यू है जिसे हम करंट कहते हैं, यानी ये करंट है, इसको हम करंट के नाम से चलें। आपकी आसानी के लिए यहाँ पर मैं इनके ना नेम जो है वो भी मेंशन करता जाता हूँ, करंट, वोल्टेज पावर, पावर फैक्टर रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस
कैपेसिटेंस उसके बाद आ गया इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस और उसके बाद आ गया है इंपीडेंस। ये मैंने आपकी आसानी के लिए यहां पर उनको साथ में मेंशन भी कर दिया है ताकि आपको पता लगे कि आई से मुराद क्या है, वी से मुराद क्या है, पी से मुराद क्या है, पी एफ से मुराद क्या है, और आर से मुराद क्या है, एल से मुराद क्या है, सी से मुराद क्या है, और एक्सएल से मुराद क्या है, एक्सी से मुराद क्या है, और जी से मुराद क्या है। ये मैंने साथ में उन वैल्यूज को लिख भी लिया है और उनको इस तरह से जाहिर करते हैं, ये भी मेंशन कर दिया है, और साथ में उनकी पेमाइश किस में की जाती है ये भी आपके सामने मैंने उनकी इकाइयां भी यहाँ पर मेंशन कर दी हैं। तो ये वो बेसिक आपकी वैल्यूज हैं, ये वो बेसिक पैरामीटर्स हैं जिनका इस्तेमाल इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम में सबसे ज़्यादा किया जाता है। हम पहली वैल्यू को डिस्कस कर रहे थे जो कि है करंट। करंट वो वाहद वैल्यू है जो ऑल अराउंड द वर्ल्ड सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है। आप देखें आपके लोग घरों का लोड जो है, इंडस्ट्रीज का लोड है, और एसी हो चाहे वो डीसी लोड हो, हर लोड के अंदर करंट का इस्तेमाल है। करंट बेसिकली असल पावर है जो वोल्टेज की मदद से फ्लो करवाई जाती है। अब इसकी मैं डेफिनेशन आपको बताता जाता हूँ कि करंट क्या है, करंट किसे कहते हैं। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए कंडक्टर इज कॉल्ड करंट। यानी किसी भी कंडक्टर में फ्लो करने वाले जो चार्ज होता है उसको हम करंट कहते हैं। अब यहां पे कंडक्टर और चार्ज, ये दो चीजें आपके जहन में आएंगी कि कंडक्टर क्या है और चार्ज क्या है। कंडक्टर उस मटेरियल को कहते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से फ्लो कर सकें। इलेक्ट्रॉन आपको पता है कि मादा तीन हालतों में मौजूद है, ठोस, माया और गैस। आगे इनके भी मजीद छोटे छोटे हैं, वो मॉलिक्यूल्स हैं। मॉलिक्यूल्स मजीद छोटे यानी वो है एटम्स, और एटम मजीद छोटे छोटे ज़रात पर मुश्तमिल है, वो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हैं वे बहुत वजनी ज़रात होते हैं जो कि मरकजा यानी न्यूक्लियस जिसे कहते हैं वहां पर पड़े रहते हैं, ठीक है जी। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो हल्के ज़रात होते हैं, वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के गिर्द जो है वो गर्दिश करते रहते हैं। एक सादा सा सिंबल मैं यहाँ पर आपको बना के दिखा देता हूँ जो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर कहलाता है, इसे हम एटॉमिक स्ट्रक्चर भी कहते हैं। ये आपके सामने, और ये वो मरकजा है जिसे आप कह रहे हैं, ये वो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस। इसके अंदर मौजूद होते हैं प्रोटॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इसके अंदर मौजूद होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब यहां पर जो आपको देख रहे हैं इसके अंदर होती है कशिश की कुवत, और ये वो मदार हैं। फॉर एग्जांपल एक ये मदार है, मैं यहां पर नंबर शो कर देता हूं 1, 2 एंड 3। तीन मदार हैं, तीनों मदारों में ये इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से हल्का होता है, इस हल्का होने की वजह से ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के अंदर एक कशिश होती है जिसे हम कशिश की कुवत कहते हैं, इसे मैग्नेटिक इफेक्ट भी कहते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इनके इर्द गिर्द ही जो है वो हरकत करते रहते हैं। अब जनाब
सवाल पैदा हुआ था इलेक्ट्रॉन का, इनको हम जनाब इलेक्ट्रॉन कहते हैं, इलेक्ट्रॉन। हमने करंट की डेफिनेशन शुरू की थी कि करंट में हम चार्ज को देखते हैं, चार्ज में हम इलेक्ट्रॉन को देखते हैं। इलेक्ट्रॉन फ्लो किस में कर रहे हैं? कंडक्टर के अंदर। तो कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है जो इलेक्ट्रॉन को गुजरने में आसानी पैदा करता है और चार्ज को गुजारने में आसानी पैदा करता है, उसे हम कंडक्टर कहते हैं। दुनिया में ऑल अराउंड द वर्ल्ड बेहतरीन जो कंडक्टर इस्तेमाल किए जाते हैं वो तीन किस्म के कंडक्टर हैं, यानी कि वो है एल्यूमिनियम, सिल्वर एंड कॉपर। ये जो सिल्वर है, क्योंकि एक महंगी धात है, लेकिन इसके बावजूद इसको अच्छी जगह पर इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इस सिल्वर की मजामत जो होती है वो बहुत कम होती है, करंट के रास्ते में रुकावट नहीं करती। इसी तरह कॉपर और एल्यूमिनियम जो हैं ये भी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। आपको पता है कि कॉपर अमूमन हमारे घरों में जितनी भी वायरिंग है, जितनी भी इंस्टॉलेशन है, इंस्टॉलेशन यानी कि आपके घर में लगा हुआ लोड जो है, जिसमें आपके पंखे, ठीक है, टीवी, फ्रीज़र, वाटर सेंट्रीफ्यूगल पंप है, उसके अंदर तमाम का तमाम कंडक्टर्स और कॉइलें जो हैं वो कॉपर की बनाई जाती हैं। कॉपर भी एक ऐसा मटेरियल है जो कि ऐसा कंडक्टर है जो कि करंट को गुजरने में आसानी पैदा करता है, इस वजह से उसका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं आपको जब करंट की डेफिनेशन में आपको बता रहा था कि किसी भी कंडक्टर के अंदर चार्ज के फ्लो करने को करंट कहते हैं। तो करंट, चार्ज और कंडक्टर दो बातें आपके सामने आई। तो कंडक्टर एक मटेरियल है, चार्ज क्या है? इलेक्ट्रॉन का मजमुआ। ये वो इलेक्ट्रॉन है, ये मैंने आपके सामने एक एटॉमिक छोटा सा स्ट्रक्चर बनाया है जिसके अंदर मौजूद है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इनके अंदर मौजूद होती है कशिश की कुव्वत, और इस कशिश की कुव्वत की वजह से इलेक्ट्रॉन इसके इर्द गिर्द जो है वो मदारों के अंदर, शेल्स के अंदर हरकत करते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि करंट कैसे प्रोड्यूस हुई, करंट कैसे ईजाद हुई? करंट इस तरह से ईजाद हुई कि अब यहाँ पर तीन मदार हैं आपके सामने, तीन मदारों में सबसे करीब जो मदार होगा इस पर कशिश की कुव्वत जो है वो ज्यादा होगी न्यूट्रॉन की। अब जो ही दूसरे मदार में जाएंगे तो ये न्यूक्लियस से यानी न्यूट्रॉन प्रोटॉन से दूर हो गया, तो इस पर कशिश की कुव्वत कम होती जा रही है। फिर इसी तरह आप दूसरे से कहाँ चले जाते हैं, तीसरे मदार में, तो तीसरे मदार में कशिश की कुव्वत मजीद कम हो गई है क्योंकि वो न्यूक्लियस से मजीद दूर चला गया है। तो अब यहाँ पर सवाल पैदा होगा कि कशिश की कुव्वत से दूर जाने से क्या अमल पैदा होता है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कशिश की कुव्वत कम होती जाती है। हम अगर हम हल्की सी भी एनर्जी फ्राहम करेंगे तो ये एक मदार से दूसरे मदार, दूसरे मदार से तीसरे, तीसरे से चौथे, और वहां से ये आजाद हो जाता है, जिसे हम कहते हैं आजाद इलेक्ट्रॉन, आजाद इलेक्ट्रॉन। इसे फ्री इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, और यही फ्री इलेक्ट्रॉन अब हरकत करने के लिए तैयार होता है। अब अगर इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स को कोई ऐसा सोर्स या कोई ऐसा रास्ता फ्राहम कर दिया जाए जो कि इनके गुजरने में आसानी पैदा करे, तो वो करंट की शक्ल में हरकत करते हैं। इलेक्ट्रॉन के रास्ते में अगर कोई चीज़ रुकावट ना करे और वो फ्लो करना शुरू कर दे तो वो करंट की शक्ल में फ्लो करते हैं। तो वो मैंने आपको बताया है कि कंडक्टर ही एक ऐसा मटेरियल है जो इलेक्ट्रॉन की हरकत करने में रुकावट पेश नहीं करता, जिसकी वजह से उस कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो करना शुरू कर देती है, इसे ही हम करंट कहते हैं। और इस करंट की तारीफ में साथ ही उसकी इकाई भी बयान कर दी गई है, जिसे हम एम्पेयर कहते हैं। करंट की पैमाइश हमेशा एम्पेयर में की जाती है, और एम्पेयर यानी जिसे एम्पेयर हमेशा आप ध्यान में रखेगा, जो चीज़ जो जिसमें पैमाइश की जा रही है उसका एक साइंसदान का नाम उसके अंदर शामिल होता है जिसने उसको प्रोड्यूस किया होता है। तो एम्पेयर एक साइंसदान था जिसने इस करंट को प्रोड्यूस किया था, इस वजह से उसको उसकी पैमाइश उसके नाम से की जाती है। इसी तरह वोल्टेज, अब पहली वैल्यू थी करंट और वोल्टेज है दूसरी, ये दोनों ही पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है। अब वोल्टेज है, वोल्टेज जो है ये एक ऐसी वैल्यू है
जो एक एनर्जी है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी आपको इलेक्ट्रॉन को आज़ाद इलेक्ट्रॉन के तौर पर भी बयान किया है और आज़ाद इलेक्ट्रॉन को फिर किसी कनेक्टर में फ्लो करवा के भी देखा, लेकिन यहाँ पर भी गौर करें आप कि यहाँ से एक मदार से दूसरे मदार में इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए एनर्जी की जरूरत थी, फोर्स की जरूरत थी। इसी तरह करंट को भी, इलेक्ट्रॉन को भी कंडक्टर के अंदर फ्लो करने के लिए प्रेशर की जरूरत होती है, एनर्जी फ्राम करनी पड़ती है। उस एनर्जी को, उस प्रेशर को हम वोल्टेज कहते हैं। तो वोल्टेज की सादी सी डेफिनेशन ये होगी कि किसी इलेक्ट्रॉन यानी किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन के गर्दश करवाने के लिए, इलेक्ट्रॉन के फ्लो करवाने के लिए जो दरकार प्रेशर होता है उसे हम वोल्टेज कहते हैं। इसको हम पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं और ये वोल्टेज की डेफिनेशन है। ये भी वोल्टा नामी साइंसदान जिसने इस प्रेशर को याद किया था, उसी वजह से इस वोल्टेज को हम वी से जाहिर कर रहे हैं और वी में ही उसकी इकाई है यानी वोल्ट, वोल्ट में ही उसको पेश की जाती है उसकी, जिस तरह इसकी एम्पेयर में की जाती है उसको हम इस तरह से जाहिर कर रहे हैं। आगे ये आ गया वोल्ट, तो सिंपल वोल्ट में, और ये आ गया है वाट, इसको वाट में हम पेश करते हैं। अब आगे है करंट और वोल्टेज की डेफिनेशन के बाद वो वैल्यू जो कि पावर कहलाती है, पावर, इलेक्ट्रिकल पावर। पावर की तो जाहिर है कि बड़ी किस्में हैं, क्योंकि पावर एक ऐसी वैल्यू है कुदरती तौर पर, ये एक शक्ल से दूसरी शक्ल अख्तियार कर देती है क्योंकि एनर्जी की मुख्तलिफ सूरतें हैं। हर एनर्जी एक सूरत से दूसरी सूरत में तब्दील हो जाती है, जिस तरह की एनर्जी की कई सूरतें आप कहते हैं, हरारती एनर्जी है, कीमियाई एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, हर की तवानाई है, ठीक है जी। और इसी तरह बहुत सी ऐसी एनर्जीज हैं जो कि आपकी लिंक करती हैं इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम के साथ, जो एक सूरत से दूसरी सूरत में तब्दील की जा सकती हैं, ठीक है जी। वो एक एनालॉग वैल्यूज होती हैं, इसी तरह ये भी एक एनालॉग वैल्यू की तरह पावर भी एक ऐसी वैल्यू है जो कि काबिल तब्दील वैल्यू है। अब सवाल पैदा होता है कि पावर है क्या, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल पावर का तस्करा किया जा रहा है। इलेक्ट्रिकल पावर दो कंपोनेंट के हासिले ज़र्ब को कहते हैं, इसकी ये डेफिनेशन है। यानी इलेक्ट्रिकल पावर जो है ये करंट और वोल्टेज के हासिले ज़र्ब को कहते हैं, यानी करंट और वोल्टेज अगर दोनों इकट्ठे किसी जगह से गुजर रहे हैं तो आप समझ जाएं कि वो एक इलेक्ट्रिकल पावर गुजर रही है। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको बताया कि करंट किसी कंडक्टर में फ्लो कर रही है, तो कंडक्टर में फ्लो करने के लिए हमने उसको पीछे से वोल्टेज का प्रेशर दिया है, तो इसका मतलब है कि करंट भी गुजर रही है, वोल्टेज भी गुजर रहे हैं, और इन दोनों के गुजरने की वजह से उस पूरे कंडक्टर में इलेक्ट्रिकल पावर फ्लो कर रही है। तो ये इलेक्ट्रिकल पावर की डेफिनेशन है। यानी इलेक्ट्रिकल पावर दो चीज़ों के, दो वैल्यूज के हासिले ज़र्ब को कहते हैं। तो इलेक्ट्रिकल पावर की डेफिनेशन आप सादे से इस तरह से भी बयान कर सकते हैं कि करंट और वोल्टेज के हासिले ज़र्ब को हम पावर कहते हैं। तो सीधी सी बात है, सादी सी बात है कि जहाँ पर करंट और वोल्टेज गुजर रहे होंगे वहाँ पर इलेक्ट्रिकल पावर भी मौजूद होगी। तो पावर इन दो चीज़ों के मजमुए को, हासिले ज़र्ब को ही कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके घरों में पंखा चल रहा है तो उसको डिज़ाइन किस में किया जाता है, करंट में नहीं किया जाता, वोल्टेज में नहीं किया जाता, उसको वाट में डिज़ाइन किया जाता है। आप अक्सर जाते हैं एनर्जी सेवर या कोई लैंप खरीदने के लिए, तो आप उससे डिमांड क्या करते हैं, जी इतने वाट का लैंप दे दें, इतने वाट का एनर्जी सेवर दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि उसकी जो पावर की हद है, क्योंकि पावर की जो पैमाइश की जाती है, जो पावर की इकाई है वो होती है वाट, ये आपके सामने मौजूद है, जिसको यानी ये वाट है और इसको इस तरह से जाहिर किया जाता है और इसको हम W से भी जाहिर करते हैं, वाट। यानी कोई भी लोड या कोई भी इंस्टॉलेशन है उसकी आप डिमांड करते हैं तो आप वाट में करते हैं। तो इसका मतलब है कि आपकी तमाम ऑल अराउंड द वर्ल्ड इंस्टॉलेशन जितनी भी है वो वाट में डिज़ाइन की जाती है, पावर में डिज़ाइन की जाती है। तो करंट और वोल्टेज पे चलने वाली हर डिवाइस जो है वो वाट पर डिज़ाइन की जाती है, क्योंकि करंट और वोल्टेज जहाँ से गुजरेंगे अगर वो ऑपरेट करवाएंगे तो इलेक्ट्रिकल पावर पर ही ऑपरेट करवाएंगे। तो इलेक्ट्रिकल पावर की सादी सी डेफिनेशन आपकी है, करंट और वोल्टेज का हासिले ज़र्ब इलेक्ट्रिकल पावर कहलाती है। ये आपके सामने, ये बेसिक तीन कंपोनेंट्स हैं, करंट, वोल्टेज और पावर, जिनका इस्तेमाल ऑल अराउंड द वर्ल्ड सबसे ज़्यादा किया जाता है लोड्स के अंदर। अब हम आगे बढ़ते हैं, पावर फैक्टर।
अब इन तीन वैल्यूज का इसके साथ डायरेक्ट लिंक है, ये वो वैल्यू है पावर फैक्टर। ये पावर फैक्टर असल में दो किस्म की पावर का जो है ना वो निस्बत है, दो किस्म की पावर फैक्टर, क्योंकि हमेशा दो चीज़ों की या दो वैल्यूज की निस्बत को कहते हैं, इस वजह से यहाँ पर फैक्टर किसका है, पावर का। तो इसका मतलब है कि दो किस्म की पावर्स होंगी जिनकी वो निस्बत होगी। वो दो किस्म की पावर्स कौन सी हैं? वो पावर्स हैं हकीकी और ज़ाहरी पावर के दरमियान पाई जाने वाली निस्बत जो होती है उसे हम पावर फैक्टर कहते हैं। अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि हकीकी पावर क्या है। हकीकी पावर हम कहते हैं जिस तरह के रियल पावर जिसे हम कहते हैं, वो पावर जिसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं। हकीकी पावर आपके घरों में, इंडस्ट्रियल एरिया में, कमर्शियल एरिया में जो पावर आप यूज कर रहे हैं वो है असल पावर, जिसकी हम वाट में पैमाइश कर रहे होते हैं, किलोवाट में पैमाइश कर रहे होते हैं, वो आपकी हकीकी पावर है। फिर आपकी आ जाती है ज़ाहरी पावर। अब ज़ाहरी पावर क्या पावर है? फॉर एग्जाम्पल पावर प्लांट जो कि बिजली पैदा करने वाले हैं, एनर्जी पैदा करने वाले हैं, पावर प्लांट से एनर्जी को पैदा करके फ्राहम किया जाता है तारों के जरिए, और वो तारें यानी कंडक्टर्स जिनमें से करंट आसानी से फ्लो कर रही होती है, वो पावर ही फ्लो कर रही होती है। अब उस पावर को हम डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, वो पावर फ्लो कर रही होती है लाइनों के ऊपर, जाहिर हो रही होती है कि वहाँ इसके इनके अंदर पावर फ्लो कर रही है, तो उस पावर को हम कहते हैं अपरेंट पावर यानी ज़ाहरी पावर। तो यहाँ पर दो किस्म की पावर का तस्करा हुआ है, तो दो किस्म की पावर की निस्बत को हम पावर फैक्टर कहते हैं। तो ये जो चौथी वैल्यू है आपके सामने जिसका मैं तस्करा कर रहा हूँ, इसे हम पावर फैक्टर कहते हैं, जो कि पावर के बाद बयान की जाती है। ये पावर जो मैंने अभी आपको बयान किया उसके बाद आ गया पावर फैक्टर। हकीकी पावर और ज़ाहरी पावर के दरमियान पाई जाने वाली निस्बत को हम पावर फैक्टर कहते हैं। इसके मतलब जानना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपका सिंगल फेज लोड और थ्री फेज लोड में सबसे ज़्यादा पावर फैक्टर मद्देनज़र रखा जाता है, क्योंकि उसमें तीन किस्म के लोड होते हैं, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस का लोड होता है, जिसमें पावर फैक्टर मुसलसल कभी कम और कभी ज़्यादा होता रहता है। तो अब हम जिक्र करते हैं जी आपकी पांचवी जो वैल्यू है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का दूसरा जो नाम आपके जहन में आएगा वो है मज़ामत। रेजिस्टेंस सादे सलफ से उसे हम रुकावट भी कहते हैं। अब ये रुकावट क्योंकि इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम में है तो ये किसके रास्ते में हो सकती है? करंट और वोल्टेज के रास्ते में, पावर के रास्ते में। तो इसकी डेफिनेशन सादी सी क्या होगी कि रेजिस्टेंस ऐसी वैल्यू को कहते हैं जो करंट के रास्ते में रुकावट पेश करे, उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। सादी सी इसकी डेफिनेशन है। और इसकी पैमाइश किस में की जाती है? इसको आर से जाहिर किया जाता है। इसकी पैमाइश की जाती है ओहम। ओहम ये उसका सिंबल है, रेजिस्टेंस की पैमाइश करने का सिंबल है। उनकी वैल्यू को इस सिंबल से जाहिर किया जाता है, और ये ओहम यानी इसे भी जाहिर किया जाता है। ओहम जो है वो जॉर्ज साइमन ओहम, यानी जॉर्ज साइमन ओहम एक साइंसदान है, ऐसा साइंसदान जिसने ओहम का कानून जो है वो बयान किया था, जिसमें रेजिस्टेंस को मद्देनजर रखा था। यानी रेजिस्टेंस को इजाद करने वाला जो साइंसदान है उसे हम जॉर्ज साइमन ओहम कहते हैं। इस वजह से रेजिस्टेंस की जो पैमाइश है वो ओहम में की जाती है। जिस तरह मैं आपको पहले बयान कर चुका हूँ कि एम्पेयर की पैमाइश भी करंट को प्रोड्यूस करने वाले या उनको आगे फ्राम करने वाले जो जितने भी साइंसदान थे उनके एम्पेयर के में उसका नाम था, उसको एम्पेयर में पैमाइश की जा रही है। वोल्ट जिस तरह के वोल्टा, और इस तरह पावर को वाट में किया जाता है, पावर फैक्टर है। इसकी पैमाइश की इकाई नहीं होती क्योंकि एक वैल्यू होती है, सादी सी वैल्यू जिसकी इकाई कोई नहीं होती। ये रेजिस्टेंस है जिसकी मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ये उसका सिंबल है, ये ओहम एक साइंसदान है जिसको पैमाइश की जाती है। आगे आ गया है उसका सर्किट सिंबल। ये उसका सर्किट सिंबल है कि सर्किट में मज़ाहमत किस तरह से अमल करती है। ये आपके सामने जो मैं एक सिंबल बयान कर रहा हूँ, ये देखें ऐसे जैसे 1, 2, 3, 4 एंड 5, यानी यहाँ पर पांच रुकावटें हैं, 1, 2, 3, 4, 5। अब इन पांच रुकावटों में आप देखेंगे कि करंट यहाँ पर गुजरती रुक जाएगी, यानी ये करंट के रास्ते में रुकावट है, तो इस वजह से इसको हम इस तरह इस सिंबल से जाहिर करते हैं। आगे आ जाएं आप, ये इंडक्टेंस। इंडक्टेंस जो है ये हम कहते हैं कॉयल को, कॉयल को। इंडक्टेंस जो है एक ऐसी वैल्यू है जो के करंट के रास्ते में रुकावट पैदा करती है,
ये भी एक मुजाहमत की दूसरी किस्म है, लेकिन इसमें एक तब्दीली पैदा होती है। वो तब्दीली क्या कि रेजिस्टेंस करंट के रास्ते में रुकावट पैदा करती है लेकिन कोई दूसरा अमल नहीं करती, लेकिन ये इंडक्टेंस जो है ये करंट के रास्ते में रुकावट तो पैदा करती है लेकिन दूसरा अमल क्या करती है कि करंट में तब्दीली पैदा करती है। वो तब्दीली की वजह से उसके अंदर मकनातीसी फ्लक्स पैदा होता है, मकनातीस पैदा होता है, और उस मकनातीस की वजह से हम काफ़ी सारे अमल इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम में सरंजाम देते हैं। इस वजह से इसको इंडक्टेंस को हम कॉयल की सिंबल से ज़ाहर करते हैं, कॉयल की सिंबल से। ये आपके सामने मौजूद है इंडक्टेंस, इसकी हेनरी में पेमाइश की जाती है, उसको एच से ज़ाहर करते हैं, और ये कॉयल का सिंबल है। ये देखें आपके सामने है तो ये भी एक रुकावट, लेकिन ये मुकम्मल रुकावट नहीं है, करंट गुजर जाएगी, स्लो हो जाएगी, लेकिन वो तब्दीली पैदा करेगी जिसके दौरान इस कॉयल के अंदर मकनातीस पैदा हो जाता है। आगे आ जाता है आपकी वैल्यू कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस जो होती है ये कैपेसिटर की वैल्यू को कहते हैं। कैपेसिटर सवाल यहाँ पर पैदा होता है, कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर वो एक ऐसा आला है जो कि चार्ज को स्टोर करता है, आपके घरों में इस्तेमाल होता है, वाटर पंप के साथ, पंखे के साथ। उसका मकसद क्या होता है कि मकसद क्या है कि आपके पंप के अंदर भी कॉयलें मौजूद हैं, आपके पंखे के अंदर भी कॉयलें मौजूद हैं। मैंने जिस तरह आपको अभी बताया कि कॉयलों में करंट जब गुजरती है तो स्लो हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है, जिससे पावर फैक्टर बड़ा कम होता है। पावर फैक्टर क्या है? हकीकी पावर और ज़ाहरी पावर। यानी हकीकी पावर कम होना शुरू हो जाती है तो वो फिर मोटर या जो पंखा है वो ज़ाहरी पावर से खींचने की कोशिश करता है। हकीकी पावर ज़ाहरी पावर से खींचने की कोशिश करेगी। जिस तरह के घरों में वाट हैं, वाट कम होंगे किसकी वजह से? इस कॉयलों की वजह से, ठीक है। तो वो करंट कम हो जाती है तो वो ज़्यादा करंट खींचती है वाटर की तरफ से। अगर पंखे का कैपेसिटर जल गया हो, ठीक है, कैपेसिटर जलने से पंखा बिल्कुल स्लो स्पीड से चलता है, उसकी वजह कि उसको करंट पूरी नहीं मिल रही, तो करंट जब तक उसकी पूरी नहीं होगी वो पंखा स्पीड से नहीं चलेगा। वो करंट पूरी क्यों नहीं मिल रही? वो कॉयलों की वजह से। तो कैपेसिटर एक वाहद वो आला है जो उनको करंट पूरी फराहम करता है, और पूरी करंट फराहम करके उसको जनाब पूरे राउंड सर्कल साइकिल के अंदर पूरी एनर्जी फराहम करता है जिससे पंखा और मोटर अपनी फुल स्पीड से चलते हैं। तो कैपेसिटर की अपनी एक सलाहियत होती है चार्ज को जमा करने की, उसको हम कहते हैं कैपेसिटेंस। उसको हम सी से ज़ाहर करते हैं, और उसकी पेमाइश की जाती है माइक्रो फैराड। फैराड वो साइंसदान है, ठीक है, माइकल फैराड यानी वो साइंसदान है जिसने इस कैपेसिटर को ईजाद किया था, इस वजह से उसको फैराड में पेमाइश की जाती है, माइक्रो फैराड में। आगे आ जाता है एक्सेल। एक्सेल असल में ये कॉयल की मुजाहमत है। एक्सेल यानी ये रिएक्टेंस एक खुद एक मुजाहमत है। एल ये कि आपके सामने मौजूद है जिसको इंडक्टेंस को एल से जाहिर करते हैं, हेनरी में उसकी पेमाइश की जाती है, ये उसका सिंबल है। इसी तरह कैपेसिटेंस कैपेसिटर की सलाहियत है, उसको सी से जाहिर करते हैं, और माइक्रोफेराड में उसकी पेमाइश की जाती है, ये उसका सिंबल है। आगे जनाब इंडक्टिव रिएक्टेंस है एक्सेल जो कि इसकी मजाहमत है, और कैपेसिटिव रिएक्टेंस है जो कि इसकी मजाहमत है। इसकी मजाहमत किस तरह से बनी कि कॉयलों के दरमियान जो पैदा होने वाली तब्दीली है, कॉयलों के दरमियान पैदा होने वाली तब्दीली के खिलाफ जो मजाहमत होती है उसे हम इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं। रिएक्टेंस जो होती है वो तब्दीली के खिलाफ मजाहमत को कहते हैं। रिएक्टेंस यानी अमल का रद्द अमल, अमल हुआ है उस तब्दीली के खिलाफ एक अमल हुआ है उसी वजह से उसको हम रिएक्टेंस कहते हैं, यानी ये उसका नाम पड़ गया। एक कॉयल में जो मजाहमत होगी उसे हम इंडक्टिव रिएक्टेंस कहेंगे, और एक कैपेसिटर के अंदर भी तब्दीली पैदा होती है उसके खिलाफ जो मजाहमत होगी उसे हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहेंगे। मजाहमत को हम ओहम में पेमाइश करते हैं, जिस तरह के आपके सामने ये है ओहम, ओहम, और ये आ गई है लास्ट वाली जो वैल्यू, ये है इम्पीडेंस। इम्पीडेंस वो वाहद वैल्यू है जो कि एसी सर्किट्स में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। एसी सर्किट में इम्पीडेंस से क्या मुराद है? इम्पीडेंस यानी ऐसी वैल्यू यानी जो एसी सर्किट में पूरी की पूरी मजाहमत को शो करती है, कुल मजाहमत, टोटल मजाहमत। अब टोटल मजाहमत से क्या मुराद है यहाँ पर? यहाँ पर हम जिक्र कर लेते हैं, ये रेजिस्टेंस वाहद यहाँ पर एक मौजूद है ओहम,
ओहम और ओहम, यानी आपके सामने यहां पर मैं तीन मजामते लिखूंगा, रेजिस्टेंस प्लस एक्सल प्लस एक्सी। अब इन तीनों मजामतों का जो मजमुआ होगा वो बराबर होगा इंपीडेंस के, जिसको हम जी से जाहिर करते हैं। तो इंपीडेंस की डेफिनेशन हम इस तरह से भी बयान कर सकते हैं कि इंपीडेंस एक ऐसी मजामत होती है एसी सर्किट की कुल मजामत होती है जो तीनों मजामतों के मजमुए के बराबर होती है, जिसको अभी हम तस्करा कर चुके हैं। तो आप इसकी डेफिनेशन इस तरह भी बयान कर सकते हैं कि किसी एसी सर्किट की कुल मजामत को हम इंपीडेंस कहते हैं। तो इंपीडेंस को आप इस तरह से लिखते हैं, जेड से इसको जाहिर करते हैं, और ये उसका इकाई का सिंबल है, और ओम में उसकी पैमाइश की जाती है। तो ये वो बेहतरीन वैल्यूज़ हैं जो कि आपके न्यूमेरिकल के अंदर न्यूमेरिकल बेस भी बन सकती हैं, इनके मतलब जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी था। तो वैल्यूज़ दो तरह की होती हैं, एसी और डीसी। एसी और डीसी, एसी घरों में आम उमूमन इस्तेमाल करने वाली सिंगल फेज और थ्री फेज, सबसे ज़्यादा दुनिया में एसी करंट को इस्तेमाल किया जाता है, डीसी को बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है। ये आपके सामने पावर की भी अपना दो किस्में हैं, एसी पावर और डीसी पावर। तो इस तमाम वैल्यूज़ को मद्देनजर रखते हुए आप, मैं उम्मीद करता हूँ आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा, इन वैल्यूज़ के मतलब जाना होगा। तो पावर से लेकर करंट और वोल्टेज से लेकर तमाम बेहतरीन वैल्यूज़ से लेकर जितनी भी वैल्यूज़ का आपके साथ तस्करा किया गया है, ये वैल्यूज़ ऑल अराउंड द वर्ल्ड पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम के अंदर। तो इनके मतलब जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी था। तो आने वाले लेक्चर में इंशाल्लाह हम इनको मज़ीद इनके फार्मूलों के साथ तफसील से बयान करेंगे, ताकि आप इनके फार्मूले भी देख लें, क्योंकि वो फार्मूले आपके, क्योंकि मैं आपको बयान कर चुका हूँ कि ये न्यूमेरिकल बेस्ड जो है ना वो आपके लेक्चर्स होंगे, जितने भी आपके लेक्चर्स होंगे वो न्यूमेरिकल बेस्ड होंगे, और इन तमाम वैल्यूज़ के फार्मूले भी आपको पता होने चाहिए, ताकि आप उनको आसानी से न्यूमेरिकल्स के अंदर आप उनको सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल कर सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप हमारे चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर लें, ताकि आपको आने वाली हर नई जो है इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे, और हमारी वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का मौका मिले। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।